जो लोग नहीं, अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। तो हम लोग आज शुरू करते हैं जो हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अगले क्लासेस में शुरू करेंगे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर में हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में, बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी। सेम चीजें हैं थोड़े भी में, किसी भी चीज का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज का मीनिंग का मतलब है कि एक्चुअली वो क्या है, उससे क्या अर्थ निकलता है, वो वास्तव में क्या कहना चाहता है, और स्कोप मतलब कि वो कितनी दूर तक जाता है, कितनी चीजों को कवर कर सकता है। सिंपल सी चीजों में जब हम आते हैं कि ज्योग्राफी क्या करता है, मीनिंग का मतलब यही हुआ कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी करता क्या है, तो हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस के जवाब खोजता है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। वो कौन से क्वेश्चंस हैं? तो वो क्वेश्चंस हैं वेयर, व्हाई, व्हेन, हु। जैसे आप किसी को कहें कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, लोग आपसे पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि नील नदी कहाँ बहती है, तो ये कहाँ वाला क्वेश्चन वेयर है। अब या दूसरे तरीके से लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अच्छा ये बताओ कि हिमालय जो है, हिमालय के उस पार जो हिमालय है वो आपको यूरोप और एशिया के बीच ही, भारत और इसके बीच में ही क्यों जन्म लिया या खड़ा हुआ, हो सकता है साइड में क्यों ना हुआ, यहाँ ओशियंस क्या है, यहाँ क्यों है, और यहाँ महासागर क्यों है, या यहाँ महाद्वीप क्यों है। तो ये वाई वाले क्वेश्चन हुए। ये क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि कल्चरल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी लागू होते हैं। जैसे हम लोग जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, तब भी हम लोग कहते हैं कि किन एरियाज में ज्यादा जनसंख्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना चीन के मैदान में जो हांगहो का मैदान है, या भारत के गंगा नदी के मैदान में ज्यादा जनसंख्या, तो क्यों है। अब व्हेन, व्हेन की बात जब होती है, जो लोग बेटा म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट हो, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन आता जब व्हेन की बात, व्हेन का बात है कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की ये बात करती है कि ज्योग्राफी का मतलब अगर कहें हम लोग कि कैसे डेवलप हुआ, तो कैसे क्यों डेवलप हुआ, मतलब कब से डेवलप हुआ, बात हो गई कहाँ है, क्या है। तो अब जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, जो हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे हैं व्हेन वाला, ये बात करता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की, कि किस समय धरती पे किस चीज ने डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट कब हो रहा है और आगे क्या होगा, ये व्हेन टाइम पीरियड करता है। और हु का होता है कि इन प्रोसेसेस में कौन इंपॉर्टेंट रहा, ये ह्यूमन भी हो सकता है और नेचर के भी कोई फोर्सेस हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहा। इसी को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, वेयर कहाँ है, व्हाट क्या है, वो एक्चुअल में क्या है, पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, जनसंख्या है, कल्चरल लैंडस्केप है, अर्बन लैंडस्केप है, When, कब से है, कैसे डेवलप हुआ, डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाई क्यों है, किस फोर्सेस के कारण है, क्यों वही है, दूसरी जगह क्यों नहीं है, तो व्हाई देयर भी इसमें कंप्लीट हो। इन सारे क्वेश्चंस की बात हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। तो ज्योग्राफी का मीनिंग समझने के लिए आपको इन क्वेश्चंस की बात करनी होगी। अब आते हैं हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, वो है जियो प्लस ग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी, द सब्जेक्ट विच studied about the earth, the simple definition यही कहते हैं ना कि description is about the earth या inscription about the earth is called geography। सबसे पुरानी definitions जो है, geo means earth, graphy means inscribe or write about or description। अब हम लोग एक early definitions जब देखते हैं, उससे पहले एक बात पे आते हैं। सबसे पहले एक हम लोग बात करते हैं आज की जो हमारी subjects है, उन subjects को जिन्होंने classify किया उनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या कहा कि देयर आर टू यूनिवर्सल सब्जेक्ट। उन्होंने दो तरीके से सब्जेक्ट्स को बांटा। कैसे, पहले में कहा कि वैसे सब्जेक्ट जो कि स्पेसिफिक चीज का अध्ययन करते हैं, जैसे सोसाइटी का अध्ययन कौन करेगा, सोशियोलॉजी, या केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन, केमिस्ट्री, उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन, फिजिक्स, या इकोनॉमी का अध्ययन, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से एक को कहा उन्होंने ये कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और दूसरे को उन्होंने कहा कि दो सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्टेड डी जनरले हैं, जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह व्याप्त हैं, सार्वत्रिक हैं। वो दो सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि
टाइम एंड स्पेस आर टू स्पेक्टिकल्स ऑफ माइंड, जो दिमाग के दो चश्मे हैं, समय और स्थान, और यू कांट इमेजिन एनीथिंग विदाउट दीज टू स्पेक्टिकल्स. आप किसी चीज को सोच भी नहीं सकते हैं बिना इन चश्मों के. तो हम जब भी बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि टाइम का जो स्टडी करता है वो हिस्ट्री है, जो स्पेस में सारी चीजों को देखता है वो ज्योग्राफी है. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हर चीज की हिस्ट्री हो सकती है और हर चीज की ज्योग्राफी हो सकती है. ये दोनों यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सब्जेक्टेड यूनिवर्सल. और कैसे हैं, जैसे अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी भी हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, और जो नॉर्मल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है. उसी तरीके से कल्चरल हिस्ट्री भी हो सकता है, सिविलाइजेशंस की भी हिस्ट्री हो सकती है, भाषाओं की हिस्ट्री हो सकती है. टाइम फ्रेम में किसी भी चीज को आप देख ले वो क्या होगा, हिस्ट्री होगा. उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी स्पेस के फ्रेम में. अब स्पेस क्या है, इस पे हम लोग फर्स्ट ईयर में बात किए थे कि स्पेस एक कंपोजिट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फैब्रिक है. ये ऐसा नहीं है कि प्लेस ही है मात्र, प्लेस और स्पेस में फर्क है. स्पेस कोई खाली डब्बा नहीं है जो टू डायमेंशनल है. इस जो इस प्लेस है या जो हमारा टू डायमेंशनल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इसमें जितनी एक्टिविटीज हैं शामिल, चाहे वो सोशल फैब्रिक हो, कल्चरल फैब्रिक हो, इकोनॉमिक फैब्रिक हो, वो सारा मिला के एक स्पेस बनाता है. तो अब हम लोग जब इसकी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर चीज को आप स्पेस में देख सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स का भी स्पेस होता है. अमेरिका की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भारत की इकोनॉमी से अलग होंगे. तो जब इस रूप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाएगी. उसी तरीके से टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है. इवन उसी के हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन की ज्योग्राफी देख सकते हैं. उसी के हिसाब से हम लोग फिजिकल फीचर्स की भी ज्योग्राफी देखते हैं. तो ये सारे रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं विभिन्न देश और विभिन्न प्रांत कैसे हैं, या विभिन्न उपमहाद्वीप कैसे काम करते हैं. स्पेस में किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी. इवन आप कभी कभी ये सोचेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ लव, ज्योग्राफी ऑफ लस्ट, ये सारी भी डिसिप्लिन्स है हमारी बहुत सारी जगहों पे, जो कि ये होता है कि आप विभिन्न जगहों पे लोग प्यार को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनकी भी एक है. इवन हमारे एक जो बहुत फेमस ज्योग्राफर रहे, भारत के कुछ पहले ज्योग्राफर्स में से हैं, प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी, उन्होंने जो नाटमो की स्थापना की, उनका एक किताब है जिसमें कि उन्होंने कि साड़ियों के पहनने के आधार पे पूरे भारत का क्लासिफिकेशन किया है. तो आप क्या कह सकते हैं, साड़ियों की भी एक भूगोल हो सकता है, क्योंकि स्पेस में सब कुछ बदल रहा है. तो कल्चरल ज्योग्राफी, तो ये स्पेस का कॉन्सेप्ट इमैनुअल कांट ने दिया. और इस हिसाब से हमारे सब्जेक्ट का मेन थीम क्या हुआ कि पृथ्वी पे एक डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेस में कोई चीज कैसे है, इसको देखना. तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि अर्ली वाइज डेफिनेशन ज्योग्राफी की कैसे चेंज होते रही और वो आया, तो सबसे पहले टॉलमी का आप लोगों ने नाम सुना होगा. टॉलमी ने कहा कि एक जो पूरी पृथ्वी के होल को, संपूर्णता में पृथ्वी को देखने का जो है मैपिंग और लोकेशन की सहायता से ही ज्योग्राफी है. इमैनुअल कांट के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि ये स्पेस से संबंधित है, ये हर चीज को सिंथेसाइज करता है. सारे सिनोप्टिक डिसिप्लिन्स जो हैं, चाहे आपका सोशियोलॉजी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, ये सारे डिसिप्लिन्स, चाहे उधर साइंस में जाने डिसिप्लिन्स हो, उन सब को स्पेस के थ्रू जोड़ता है, सिंथेसाइज करता है. उसी तरीके से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो यूरोप के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने भी इसको सिंथेसाइजिंग डिसिप्लिन माना कि जो जनरल और स्पेशल को जोड़ता है. किसके थ्रू, तो मेजरमेंट, मैपिंग एंड रीजनल एम्फेसिस के थ्रू. उसके बाद जब हम 20th सेंचुरी में आते हैं, तब कुछ और जो ज्योग्राफर्स हुए उन्होंने इसके बारे में बात की. तो एलन सिंपल जो थी, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. कब पढ़ा होगा, जब हम लोग एनवायरमेंटलिज्म पढ़ रहे थे या डिटर्मिनिज्म पढ़ रहे थे, कि हाउ इन्वायरमेंटली अपेरेंटली कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर. इन्वायरमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करता है इस चीज को. या स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बैरोज बात करते हैं कि ज्योग्राफी वास्तव में मैन और उसका जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसके बारे में जो है वो इंट्रैक्शंस की बात करता है. उसके बाद सेफर की बात आती है कि वो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ कैसे गवर्न करते हैं, इसके बारे में ये बात करता है. तो बेसिक रूप से अब हम लोग क्या जानने लगे हैं कि मैन नेचुरल रिलेशन, और वो रिलेशन कहाँ, उसी स्पेस में जहां से हम लोग चल रहे थे, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन.
सबसे जो क्या कहते हैं अच्छी या सबसे उसको कहें हम लोग कि एक्सप्लेनेटरी सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन मानी जाती है वो डिफिनीशन है रिचर्ड हार्टसोन की, इसको हमने पिछले क्लास में आपको लिखवाया भी था। उन्होंने अपनी बुक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, बुक का नाम है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, 1959 में पब्लिश हुई, उसमें ये डेफिनेशन दिया कि ज्योग्राफी इज द स्टडी टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, आपके मन में जो भी सवाल हो उसे नोट करके रखें, जब हम लोग ये लेक्चर को पूरा करेंगे तब हम लोग आपके सवाल लेंगे पूरी तरीके से। तो टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रेशनल, तीन जो लाल से लिखे हुए हैं सब ये बताते हैं कि कैसे है एक्यूरेट ऑर्डरली और रेशनल। पहला सटीक, ज्योग्राफी इज द स्टडी टू प्रोवाइड, ज्योग्राफी अध्ययन है कैसा प्रोवाइड करने के लिए एक्यूरेट सटीक क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से, किस चीज को, तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन करना, तो इसमें क्या आएगा वेयर व्हाट, ठीक ना, कि वो क्या है और कहां है स्पेस में। एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, उसका निर्वचन, उसका व्याख्या करना, क्यों है, कैसे डेवलप हुआ, क्यों वही है, तो ये सारे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में आ जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन हम लोग शुरू किए थे, दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में और तीन क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में, इन पांचों क्वेश्चन का जवाब एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रेशनल कैसे, तो एक्यूरेट सटीक रूप से, क्रमबद्ध रूप से और तार्किक रूप से, वर्णन भी करना है कि क्या है और कहां है, और इंटरप्रिटेशन भी करना है, क्यों वही है और कैसे वहां है, कैसे डेवलप हुआ, किसका, तो अर्थ सरफेस का, और कैसे अर्थ सरफेस का, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब वैसे अर्थ सरफेस का जिसका कैरेक्टर वेरिएबल है, जो कि हमेशा बदल रहा है, परिवर्तनशील हो। तो इसका अगर हिंदी में लिखना चाहें लोग तो हिंदी में लिख सकते हैं कि भूगोल परिवर्तनशील पृथ्वी तल का सटीक क्रमबद्ध और तार्किक वर्णन एवं निर्वचन है। भूगोल परिवर्तनशील पृथ्वी तल का सटीक क्रमबद्ध और तार्किक वर्णन एवं निर्वचन है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेरी समझ से, कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद के भी कुछ डेफिनेशंस हैं कि सारे लोग कोरिलेटिव साइंस, मतलब जोड़ने वाला साइंस, या कनेक्ट कंसर्न डिसिप्लिन, एक्सप्लेनेशन के थ्रू एरियल डिफ्रेंसिएशन की कहाँ पे क्या है और अलग है, या फिर व्हाट इज वेयर व्हाई एंड व्हाट इज मेड ऑफ, ये सारे डिसिप्लिन और हैं जो डेफिनेशंस हैं। आपको अपने एग्जाम्स में शुरुआत से लेके अभी तक में कुछ डिसिप्लिन को आपको लिखना चाहिए, कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको डिफरेंट लोगों ने जो दिया है उसको लिखना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग एक लास्ट डेफिनेशन पे आएंगे। इफी टुआन एक ह्यूमनिस्ट ज्योग्राफर है, उनका सबसे सिंपल डेफिनेशन आज के समय का है, जो कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज अ होम ऑफ मैनकाइंड और एज ए होम ऑफ मैन और पीपल, मतलब भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है किस रूप में, आदमी के या मानव के घर के रूप में। अब ये कहेंगे कि पुराने डेफिनेशन से इसमें क्या अंतर है, इसने मानव के घर में सारे चीजों को समेट दिया है। मानव का घर है तो उसमें फिजिकल फीचर्स भी हैं, उसमें कल्चरल फीचर्स भी, फिजिकल फीचर्स हैं उस पर मानव ने इंट्रैक्शन किया तो कल्चरल फीचर्स डेवलप हुए, और ये दोनों कहाँ डेवलप हुए, तो अर्थ पे, और अर्थ क्या है, अब आपस में एक स्पेस है, क्योंकि जब अर्थ एक प्लेस है उस पर जब हमने फिजिकल और कल्चरल फीचर्स का होम के रूप में लगा दिया लेवल, तो ये क्या हो गया स्पेस, तो फिर से हम लोग उसी डेफिनेशन पे आ गए। पर सिंपल डेफिनेशन अगर आप कहना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं और लोगों को कोट भी कर सकते हैं जब कोई आप पूछे, अगर आपको बड़े डेफिनेशन याद ना रहे। पर मेरा सजेशन है कि हम जो हार्टसोन का डेफिनेशन था वो आपको याद होना चाहिए हमेशा, मुजबानी एज ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी to provide accurate, orderly and rational description and interpretation of variable character of earth surface. और दूसरा ये definition, if it one का study of the earth as the home of man. अब हम लोग जो बातें हैं कि पांच ज्योग्राफी के मेजर थीम हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, यही इसकी मीनिंग है। जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेट मीनिंग जब हम लोग लिखेंगे तो मीनिंग क्या है, क्या समझा रहा है, तो डेफिनेशन पे आएंगे।
और डेफिनेशंस के बाद उसकी थीम्स क्या है, क्या क्या वो करता है। तो लोकेशन आप अगर देखेंगे तो इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं, बट डिफरेंट ढंग से हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। अब ये लोकेशन भी और प्लेस भी है, क्यों? क्योंकि लोकेशन का मतलब टू डायमेंशनल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये एब्सोल्यूट है, और प्लेस का मतलब है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे इलाहाबाद का एक लोकेशन हो सकता है कि इस डिग्री और इस डिग्री अक्षांश पे ये बसा हुआ है, पर प्लेस जो है उसमें आपकी कल्चरल और ये जो है एंटिटी छुपी हुई है। या शुरुआत में स्पेस और प्लेस में था कि स्पेस को एम्प्टी माना जाता था और प्लेस में कल्चरल एंटिटी जुड़े हुए माने जाते थे, पर जब बाद में पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफर्स आए, उन्होंने जैसे हमारे एक पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफर थे सोजा, उनके अनुसार स्पेस खाली एंटिटी नहीं है बल्कि प्लेस से ज्यादा कंपोजिट एंटिटी है, मतलब उसमें ज्यादा कल्चरल, इकोनॉमिक और रियलिटीज घुसे हुए हैं। तो लोकेशन की बात मतलब एब्सोल्यूट लोकेशन और ये रिलेटिव लोकेशन, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तीसरा फिर ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की बात हम लोग करते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन क्या है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट। मानव जो है वो फिजिकल जो फीचर्स के साथ है, फिजिकल नेचर के साथ है, वो इंटरेक्ट करता है। जैसे हम लोगों ने पहाड़ों पर सड़क बनाए, मैदानों में घर बनाए, तो उस हिसाब से हमारा कल्चरल भी डेवलप हुआ। तो ये चीजें जो देखेंगे, ये हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। और जब पूछा जाता है ज्योग्राफी का बेसिक एसेंस क्या है, अन्य डिसिप्लिन ये कैसे अलग है, तो यही दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक स्पेस, कि हम लोग हर चीज को स्पेस में देखने के आदि हैं, हम लोग स्पेस में देखते हैं, और उसी के लिए हम लोग ने मैप को इन्वेंट किया, लोकेशन को इन्वेंट किया। और दूसरा ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, कि हर जो डिसिप्लिन है वो या तो ह्यूमन देखता है जैसे सोशल साइंस है, और या नेचर को देखता है जो कि फिजिकल साइंसेज है, जैसे जिसको साइंस कहते हैं हम लोग। लेकिन भूगोल क्या करते हैं, दोनों को दोनों के इंट्रैक्शन को देखता है, इसलिए हम लोग फिजिकल भी पढ़ते हैं और ह्यूमन भी पढ़ते हैं। तो फिजिकल हमारा बेस है और ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल के आधार पे ये बात करते हैं कि हमारा इंट्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मूवमेंट पे, कि उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि एक प्लेस, एक लोकेशन, एक स्पेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और लोग उसमें मूवमेंट कैसे करते हैं, चाहे वो लोगों के आधार पे हो या चाहे और एक्टिविटीज के आधार पे हो, बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, माइग्रेशन, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो पांचवा थीम है वो है रीजन, कि एक रीजन अगर कुछ सिमिलैरिटीज के आधार पे, रीजन्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रीजन्स को डिफाइन करते हैं हम लोग कि कोई रीजन जिसमें कि आपस में एक या अधिक तत्वों की समानता या समरूपता हो और अन्य प्रदेशों से वो अलग हो। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि एक रीजन का दूसरे रीजन से कहाँ तक सिमिलर है और कहाँ तक वो डिफरेंस है। तो हम लोग डिफरेंट रीजन की करेक्टरिस्टिक, तो ये पांच हमारे थीम्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी इज ए ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव साइंस के बारे में, कि ये जो है ब्रॉड इसलिए है कि हर चीज को, होल पिक्चर को ये देखता है, ना हम बस ओनली फिजिकल देख रहे हैं, ना ही ओनली हम ह्यूमन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी एंड सिस्टम साइंसेस, फिजिकल साइंसेस हैं हमारे पास, लाइफ साइंसेस हैं, ये लोग, इन लोगों से बन के हमने फिजिकल ज्योग्राफी ले लिया, हम पहाड़ पठार फ्लोरा फौना सब की बात देखेंगे, पर ये हमारा बेस है। उसी तरीके से सोशल साइंसेस बस बात करता है कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, हम लोग यहाँ से भी ह्यूमन ज्योग्राफी ले लिए। और ये दोनों मिलके हमको जो है किसी एक रीजन के लिए या पूरे दुनिया के लिए एक पूरा का पूरा रीजनल ज्योग्राफी देता है, एक इंटीग्रेट करता है कि फिजिकल फीचर पे जब ह्यूमन इंटरेक्ट करता है तो क्या बनता है। तो दोनों में से हम लोग सिस्टमेटिक भी पढ़ते हैं, जैसे सिस्टमेटिक फील्ड का क्या पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और जब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे इंडिया आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर, इंडिया में हम लोगों ने फिजिकल भी पढ़ा और वो भी पढ़ा, और इसी के आधार पर हम लोग ह्यूमन इंट्रैक्शंस को मेजर करते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव भी है, दोनों को इंटीग्रेट करता है। अब नेचर एंड स्कोप पे आते हैं हम लोग, कि स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब है ये कहाँ तक जा सकते हैं, भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लैंडस्केप को पढ़ सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, फिजिकल हो, कल्चरल हो, एरियल डिफ्रेंसिएशन को कर सकते हैं, कैसे कुछ प्लेसेस या रीजन एक दूसरे से अलग हैं या सिमिलर हैं, स्पेशियल रिलेशनशिप को देख सकते हैं कि एक दूसरे से प्लेसेस, माइग्रेट लोग, व्यापार, कल्चर कैसे इंटरेक्ट करता है और जुड़ा हुआ है,
और आप अंतिम में पूरे को सबको मिला के एक यूनिफाइंग साइंस के रूप में देख सकते हैं कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी मिलाने के बाद यूनिफाई कैसे होता है। सेम उसी तरीके से अर्थ लोकेशन प्लेस में व्हाट इज वेयर को देख सकते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन को देखते हैं और स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनाज को भी देखते हैं। ये सारी चीजें इसकी स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी की। या तो ऐसे आप एक स्कोप लिख सकते हैं या अदरवाइज आपको अगर स्कोप लिखने में दिक्कत हो, बहुत सारे लोगों को आता है, तो ह्यूमन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जितने भी ब्रांचेज है वही ज्योग्राफी के स्कोप है, क्योंकि वही चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल ह्यूमन और दोनों का इंटरफेस। तो फिजिकल में आपको एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, बायोज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी। उसी तरीके से ह्यूमन में पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, रीजनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सो ऑन। और दोनों के जो इंटरफेस है, जैसे कार्टोग्राफी हमारा आ जाता है, बाद में कंप्यूटर कार्टोग्राफी आया, आजकल रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आया है, उसी के साथ साथ जैसे क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स को कैसे हम लोग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो दिखाते हैं, या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारा हमारा इंटरफेस है। ये सारे जो है ये हमारे स्कोप है, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी जस्ट है स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। या आप इस डायग्राम को जरूर बनाइए जब आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए स्कोप और इसके लिए। सेम वही चीज है कि हम लोगों ने जैसे जियोलॉजी से इंटरेक्ट किया तो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी बना, बायोलॉजी से इंटरेक्ट किया तो बायोज्योग्राफी बना, मेट्रोलॉजी से इंटरेक्ट किया तो क्लाइमेटोलॉजी बनाया, इंजीनियरिंग से इंटरेक्ट किया तो रिमोट सेंसिंग बना, स्टैटिस्टिक्स से तो क्वांटिटेटिव मेथड्स बना, उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस से तो जीआईएस बना हमारे पास, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री से इंटरेक्ट किया तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सो ऑन। इस हिसाब से ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए जिससे कि अच्छे मार्क्स भी मिल पाएंगे और एक्सप्लेन भी हो पाएगा कि ज्योग्राफी की ये स्कोप्स हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो अब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है हमसे। किसी के पास कोई सवाल है बेटा, अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए, नहीं भी पूछना है तो आप जवाब दे सकते हैं। सर, अभी आपने जो थीम बताया था उसमें स्पेस बताया था और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मूवमेंट और रीजंस बताए थे, और एक सर लास्ट में पांच आपने बताया था। प्लेस है बेटा, लोकेशन, लोकेशन के बाद प्लेस, ठीक है, लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यस सर, और दो आप क्या बोली थी सर, मूवमेंट एंड रीजंस। मूवमेंट एंड रीजन पांच थीम्स हैं हमारे पास, की थीम्स हैं, थीम्स और भी हैं पर की थीम्स हैं ये। चलिए, ये तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हैं और होगा तो हम पावर पॉइंट भी आपको शेयर कर देंगे। ओके सर, ओके, ओके सर। और किसी को कोई सवाल? नो सर। तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए, हम कर रहे हैं, ठीक है।